ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम अस्थमा पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र, जो कि अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने अस्थमा के लक्षण बता दिए, अस्थमा कैसे होता है उसके बारे में बता दिया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अस्थमा को पार्ट्स में हम सेग्रीगेट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, अस्थमा को अगर भागों में विभक्त करना चाहें। देखिए, अक्सर जो भागों के अंदर विभक्त करने का जो सिस्टम है ये ओल्ड हो चुका है जी। और ये देखा कि आजकल इसको भागों में विभक्त नहीं करते हैं जी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहें एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, तो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा सबको ही होता है जी। कब जब तकलीफ ज्यादा होगी उस टाइम में वो या कम हो ज्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा जी। इस चाइल्डहुड एस्थमा तो मेजोरिटी के अंदर चाइल्डहुड के अंदर ही होता है। एडल्ट ऑनसेट अपन कह सकते हैं कि एडल्ट ऑनसेट मीन्स 35-40 साल के बाद होने वाला, लेकिन प्राइमरीली जो इसके लक्षण, इसका प्रोग्रेशन, इसके ट्रिगर फैक्टर और इसके अंदर जो दवा ली जाती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं। तो इसीलिए हालांकि कुछ कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें कहते हैं कि विभाजित करें, बट अधिकांश लोग इसको आजकल नहीं करते हैं जी। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, अगर बच्चों को अस्थमा होता है तो किस तरह उनका ध्यान रखा जा सकता है, वो जानना चाहूँगा। देखिए, बच्चों का अस्थमा के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है कि अस्थमा एक इस तरह की बीमारी है जिसमें कि जब ठीक होता है व्यक्ति जी या बच्चा, उस टाइम वो ये सोचता है कि ही इज फुल ऑफ एनर्जी एंड वो सोचता है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे भी क्लाइम कर सकता हूँ। लेकिन जब अटैक होता है तो उसको ये भी निश्चित नहीं होता कि अगला सांस आएगा या नहीं। बिल्कुल, ही इज अनश्योर कि पता नहीं अगला सांस मैं नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल, तो ये सिक अगेन एंड वेल अगेन, ये सिक अगेन एंड वेल अगेन की जो साइकिल्स हैं ये बड़ी स्ट्रेसफुल होती हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर जी। और ये बच्चों के अंदर जो स्ट्रेसफुल होती है इससे इस चक्रव्यूह के अंदर फंस कर कई बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं जी। लेकिन इसके साथ में बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो कि जीवन के अंदर सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे हैं जी। जी डॉक्टर साहब, अभी एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, से मेरा निवेदन है कि बचपन से मेरे को अस्थमा है, लगभग 40 साल हो गए। मेरी उम्र 48 साल है। तो कभी कभी मैं एयरकोड जो इनहेलर है वो लेता हूँ, और अभी कुछ दिन पहले तबियत खराब हुई थी तो मैंने वापस उनको चेंज करवाया। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अस्थमा के अगर फेफड़े की स्थिति कुछ खराब हो जाती है तो उनको वापस रिकवर हो सकता है किसी तरीके से? आपकी जो अभी लंग्स की स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है नरेंद्र जी, क्योंकि अक्सर जब तकलीफ ठीक होती है तो एक लंबा वाक्य हम एक सांस में बोल जाते हैं। अभी जो आप बोल रहे हैं वो एक लंबा सांस, एक सांस के अंदर पूरा लंबा वाक्य बोल नहीं पा रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि आपके अभी भी सिग्निफिकेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी एस्थमा है। आपको प्रॉपर दवा लेनी चाहिए। आप दवा के मामले में थोड़ा सा अभी इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप इसको प्रॉपरली लीजिए जी। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, अपनी बात एक वो अधूरी रह गई जी, जिसके अंदर कि यदि एस्थमा के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हुए जिन्होंने जीवन में सफलता के शिखर पे पहुंचे। उदाहरण के लिए जैकी जायनर करसी थी, 88 ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा अपने यहाँ अमिताभ बच्चन, इसके अलावा इंदिरा गांधी, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, और राज कपूर और सोनिया गांधी, ये बड़े बड़े लोग। बल्कि मैं और नाम बताऊंगा तो आप कहेंगे कि साहब सफलता के लिए आवश्यक है अस्थमा होना। तो निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे ही जुड़ा हुआ भी जो हमारे रिसेंट कॉलर थे नरेंद्र जी, उनसे ही जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है कि डॉक्टर साहब, अस्थमा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है क्या, जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए, जीन्स की एस्थमा की प्रवृत्ति को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीन्स में इम्बाइब्ड है जी, जीन्स से ट्रांसफर होके आई है। लेकिन निश्चित तौर से हम इसके लक्षणों को खत्म कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से सुला सकते हैं। आपने देखा हो तो हमारे एक हनुमानगढ़ की जो लेडी थी, उन बहन जी का एस्थमा, उन्होंने क्या बताया कि 25 साल पहले हमसे इलाज लिया था और अब 25 साल तक उनको तकलीफ नहीं हुई। तो ये एक प्रॉपर स्टाइल से हम उसको सुला दें जिससे कि आप सुखद जीवन जी सके। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जय है बीकानेर से। जय, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, नमस्ते।
नमस्ते सर, मुझे खांसी आती है। अच्छा, और रात को सोने सोता हूँ तो कफ जमे होते हैं शरीर के, छाती के एक लंग साइड में इन्फेक्शन है शायद, तो मैंने ये कुछ मेडिसिन लिया था। हाँ हाँ, तो मेडिसिन के अंदर मोन्टेक्स एलसी और एलजी कोड ऐसे करके कॉम्बिनेशन ब्रोजिटेक्स करके एक दिया था, तो वो मैं लेता हूँ तो मेरा बंद हो जाता है, फिर वापस मेरे को चालू हो जाता है, या एलर्जी टाइप का कुछ होगा बेटा। तो प्रतीत होता है कि आपको अस्थमा ही है, क्योंकि जिस तरह से आपकी आवाज के अंदर जो आ रहा है वो, एंड दूसरी चीज रात्रि काल में जो तकलीफ हो रही है, तो ये अस्थमा है। इसके अंदर आपने कहा कि बार बार दवा लेनी पड़ती है, इसका मतलब ये है कि आप बार बार दवा छोड़ते हो, तो इसमें कुछ दवा तो हमें लेनी पड़ती है सिर्फ तकलीफ के समय, और कुछ दवा जिसको हम प्रिवेंटिव दवा कहते हैं उसको हमें लंबे समय तक लेना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, से बड़े ही शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा प्रोग्राम के आखिरी में, कि लोगों को क्या क्या देखभाल करनी चाहिए खुद की, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे ये अस्थमा जैसी बीमारी ना होने। देखिए, एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि किसी भी हाल में हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, और इसके अंदर अस्थमा पूरी तरह से कंट्रोलेबल डिजीज़ है, इसको हम कंट्रोल करके सफल और सुखद जीवन जी सकते हैं, और इसमें जो स्ट्रेस का लेवल नहीं रखना चाहिए, और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आप अपने कारकों को पहचानें और उनको मैनेज करें। विश यू गुड लक। जी तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उन्हें अस्थमा से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।